तो एक बार फिर से हाय हेलो नमस्ते पब्लिक। तो कुछ देर के लिए मैं नीचे आया था, तो मैंने सोचा नहा धो के ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं ऊपर कितना काम हो चुका है। चलिए पब्लिक ऊपर जाते हैं और देखते हैं कितना काम कर चुके हैं हमारे मिस्त्री जी और लेबर जी। मुझे लगा था कि ये दीवार तो कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे ये दीवार लगभग 5 फीट लगाई है हमारे लेबर मिस्त्री जी ने, उसके बाद छोड़ दी है। उसके बाद वो दूसरी जगह उधर बैठे, देखो रेस्ट कर रहे हैं मिस्त्री जी, उधर जाके मुझे लग रहा है दीवारी दे रहे हैं। चलो देखते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग बैठ के। यहाँ तो मसाला भी ख़त्म हो गया है, अब मसाला दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेस सुबह आपने देखा होगा दूसरे पिछले ब्लॉग में कि यहाँ पे मसाला पूरा भरा हुआ था, मसाला भी अभी ख़त्म हो गया है। तो आगे चलते देखते क्या कर रहे हैं। हाय ये देखिए जी, यहाँ हमारे नाम राशि जी इंद्रदेव जी, और यहाँ पे नाम भूल गया मैं मिस्त्री जी का क्या था, मनीष मिस्त्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मत करो कैमरे में, अच्छा ब्लास्ट हो जाएगा। ओहो हमारे मनीष मिस्त्री जी कह रहे हैं कि इंद्रदेव जी, हमारे इंद्रदेव जी को अगर कैमरे में कैद करोगे तो कैमरा ही फट जाएगा। फिलहाल सारे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो इन्होंने देखिए आगे भी लगभग 2 फुट की दीवार दे दी है जो कि सुबह खाली थी। मैंने सुबह यहाँ पे दिखाया था आपको, ये वाला पोर्शन पूरा खाली था। आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखोगे तो ये पोर्शन पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खाली था। अब लगभग 1.5-2 फीट की दीवार दे चुके हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5-2 फीट की दीवार दे दी इन्होंने। तभी इन्होंने पल्ली साइड का काम अधूरा छोड़ दिया ताकि उसको भी थोड़ा रेस्ट मिल सके, एकदम ऊपर से बाहर ना आए। और यहाँ पे आके लग गए ये दीवार देना पब्लिक। जैसा कि मैं हमेशा डेली हर ब्लॉग में कहता हूँ कि जो खावे जर्दा वो कभी नहीं मरता। अपने मनीष मिस्त्री जी फिर से लगे जर्दा बना रहे, क्या ये इसे खा के क्या होता है मनीष मिस्त्री जी, बताइए ना, बताइए बताइए। ये आप खाते हो तो क्या होता है? अच्छा नींद नहीं आता है, मतलब सुस्ती भाग जाता है। हाँ जी क्या बोल रहे हो आप? अच्छा कुछ बता रहे, पहले मैं उनकी बात सुन लेता हूँ इंद्रदेव जी। और हाँ एक बात और, जर्दा तंबाकू सब चीज हानिकारक है हमारे सेहत के लिए, तो आप भी मत कीजिए और को भी ये सलाह कभी मत दीजिए। तो देखिए हमारी दीवार 1.5-2 फीट उठ चुकी है यहाँ से, बस अब यहाँ से आगे भी दीवार देंगे। यहाँ देखिए ईंट जितने भी ईंटें थी यहाँ समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल खलास, बिल्कुल प्लान होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं एक पिलर यहाँ पे है जो कि भरा नहीं गया है, और ये पिलर तो पूरा फिल कर दिया है देख सकते हैं आप। तो हमारे मिस्त्री जी का कहना है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे दीवार देंगे, यहाँ पे ईंटों की दीवार देंगे और इस तरफ दूसरी तरफ भी ईंटों की दीवार लगेगी, तो साथ साथ इसे भी भर दिया जाएगा 2-2 फीट करके। तो ऐसा भी होता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, शायद होता होगा। मौसम देखिए फिर से ख़राब हो रहा है, बादल ही बादल आ चुके हैं हमारे आसमान में, और पहाड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसके साथ। लगता है हमारे इंद्रदेव जी फिर गरजने वाले हैं। इंद्रदेव जी उधर देखिए काम पर भी लग चुके हैं और ऊपर बादल भी आ गए हैं, क्या बात है इंद्रदेव जी। हाँ जी नाम राशि जी कुछ कहिए ना, कुछ भी बोल दीजिए, गीत गुनगुना दीजिए, गाना गाइए ना। अरे शर्मा गए लगता है, चले गए उठ के। हमारे दोनों मिस्त्री जी मनीष जी और इंद्रदेव जी फिर से फॉर्म में आ चुके हैं, देखिए फटाफट फास्ट वर्किंग, फिर से फास्ट काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हमारी पानी की टंकी यहाँ पर हवा खा रही है और हमें नीचे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जब तक कि ऊपर स्लेब क्या बोलते हैं लेंटर ना पड़ जाए तब तक ये टंकी इधर ही रहेगी खाली, उसके बाद जब लेंटर पड़ जाएगा तो बांपर लगा लेंगे हम इसको, उसके बाद फिर से इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। तब तक बैठे रहे टंकी। जब तक हमारे मिस्त्री जी पर ये दीवार दे रहे हैं मैं जाता हूँ नीचे ज़रा लंच करके आता हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो चलिए गाइस आते हैं लंच करके। मैंने 2 रोटियाँ निकाल ली है, अब मैं सोच रहा हूँ इसे किस चीज़ के साथ खाया जाए, मक्खन अचार, मैं देखता हूँ पहले क्या क्या है यहाँ पर। ये क्या है,
पीनट बटर है, तो आज पीनट बटर के साथ ही खाकर देख लेते हैं कि कैसी होती है रोटी। मैं आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ पीनट बटर के साथ रोटी, ऐसे ब्रेड के साथ तो बहुत बार खाया है मैंने। देखते हैं आज रोटी के साथ कैसा स्वाद आता है पीनट बटर का। तो लगाते हैं हम पीनट बटर, लग तो टेस्टी रहा है, बाकी स्वाद देख लेते हैं कैसा है खाकर। तो देखिए पीनट बटर लगकर हो चुका है रेडी, तो खाकर देखते हैं कि कैसा बना है। इसमें भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, मैंने बस ब्रेड के साथ ही खाया है पीनट बटर, बट इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आप भी खाओगे पब्लिक? दूसरी रोटी में भी लगा देते हैं पीनट बटर, टेस्टी है बहुत। पब्लिक आप भी ट्राई कीजिए एक बार घर में पीनट बटर के साथ रोटी कैसी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा स्वाद लग रहा है इसका, तो आप भी एक बार टेस्ट कीजिए कैसा लगता है आपको स्वाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे आपको कैसा लगा इसका स्वाद। तो लीजिए पब्लिक, तैयार है हमारी रोटी। मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने रूम में आ गया हूँ। अब मैं थोड़ी देर बैठ के स्क्रिप्टिंग करूँगा दूसरी वीडियो की। हाँ एक बात तो पब्लिक मैं आपको बताना ही भूल गया, पब्लिक मैं फनी वीडियो भी बनाता हूँ, मेरा दूसरा चैनल है, तो मैं बताऊँगा उसके बारे में कभी डिटेल से आपको। फिलहाल मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय पब्लिक।